So today's topic is role of military in Turkish politics. I am Tumbal Shehzad, and this is the most important topic for the paper of political science, paper 2. ठीक है, इस paper मतलब इस question को आप देखें ना, तो अगर Turkey के बारे से कोई question पूछा गया ना, तो यही सवाल आया 2019 में भी और 20 में भी, ये लगातार एक ही सवाल आया है और उसी statement के साथ repeat हुआ है. ठीक है, तो चांसेस हैं कि इस साल भी आ जाए या फिर पीएमएस में आ जाए, बहुत अहम है. और इसका डाटा जो है वो आपको मिलता ही नहीं है कहीं से, इवन जो मेरे पास किताब है उसमें भी नहीं लिखा हुआ था. तो मैंने बहुत सारे सोर्सेज से कंसर्न किया, तो मुझे कहीं से भी कोई अच्छा डाटा मिल नहीं रहा था. अब ये कुछ अच्छा डाटा मेरे हाथ लगा है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करें, इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझें, लिख के अपने पास रखें, ये बहुत अहम लेक्चर होने लगा. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं. सबसे पहले मैं थोड़ी सी ना हिस्ट्री बताऊं आपको ऑटोमन एम्पायर की, कि आप सब जानते हो सल्तनत उस्मानिया एक टाइम में बहुत बड़ी एम्पायर थी, वर्ल्ड पावर थी, सुपर पावर थी. ये कैसे सुपर पावर थी? इसने ना क्या किया हुआ था कि जो क्रिश्चियन फैमिलीज होती थी ना, तो उनके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, हर क्रिश्चियन फैमिली में से ना एक उनका सबसे बड़ा बेटा या सबसे काबिल बच्चा जो है ना वो ले लेते थे और उसको ना अपने पास रख के पालते थे. ठीक है, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह मिलती होती थी और इस्लाम कबूल करवाते थे और सब कुछ ना इस्लामिक वे में उनको बड़ा किया जाता था मुसलमान करके ना. तो उनसे ना इन्होंने ऑटोमन एम्पायर ने एक मिलिट्री बनाई जिसे कहते थे जेनिसरीज. ठीक है, ये जेनिसरीज आपने याद रखना, जेनिसरीज. ये जो है ना मिलिट्री, समझ ले एलीट क्लास थी, एलीट मिलिट्री फोर्स थी. और ये जो किंग होता था, सुल्तान होता था, उसके पास उसके गार्ड्स में भी होती थी. और फिर जो भी कोई बड़ा महाज होता था, जो ऐसा महाज होता था जिसमें आर्म फोर्स काम नहीं कर पा रही होती थी, वहां पे जेनिसरीज को भेज दिया जाता था और इनको फतह होती ही थी. ठीक है, तो अब देखो कि ऑटोमन एम्पायर के दौरान में भी ना इस जेनिसरीज ने क्या किया, इन्फ्लुएंस पकड़ा आहिस्ता आहिस्ता होते होते, कि इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस मतलब ले लिए इन्होंने, इतने ज्यादा रूप वाले हो गए कि ये जो है पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने लगे. कौन सा खलीफा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इस चीज को भी डिसाइड करने लगे. अगर किसी जो है सुल्तान से इनको कोई मसला होता था तो उसको थ्रोन से उतरवा देते थे. तो इतना ज्यादा इन्होंने इन्फ्लुएंस पकड़ा. फिर ऑटोमन एम्पायर जब खत्म हो गई, तब भी मिलिट्री जो थी, समझने की मिलिट्री हालांकि 360 का टर्न ले चुकी थी, लेकिन फिर भी मिलिट्री ने अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखा. क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद टर्की गुजरा के मिलिट्री का रोल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया. ठीक है, और मिलिट्री एक वाहिद इदारा बचा था जो कि टर्की को उसकी बुनियादों पर खड़ा कर रहा था. ठीक है, अगर शायद होता नहीं मिलिट्री का इदारा, तो वो टर्की जो आपके सामने अभी इतना सा बचा हुआ है ऑटोमन एम्पायर की वारिस, वो भी ना होती. ठीक है, तो फिर आप देखो कि 1960 से लेके आज दिन तक, ठीक है, 6 कू कर चुके हैं मिलिट्री वाले, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम गार्डियन हैं कंट्री के और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के. और जब भी इन्हें लगता है ना कि कंट्री को कोई इशू है या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई को कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा है, या वो जैसे अतातुर्क की जो लेगेसी है उसको खत्म करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो ये एक्शन में आ जाते हैं और ये कू करने की कोशिश करते हैं. तो 6 अटेम्प्ट्स हैं जिनमें से एक या दो अटेम्प्ट्स में ये कर ही नहीं सके थे. तो 6 अटेम्प्ट्स हैं, वो हम डिटेल में देखते हैं कौन कौन सी. सबसे पहले अटेम्प्ट इन्होंने क्या की 1960 में 27 मई को सिविलियन गवर्नमेंट को अरेस्ट करवा दिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, उसकी कैबिनेट को, और उनको उनका ट्रायल चलाया ट्रीजन चार्जेस पे. ठीक है, मिलिट्री पावर में आ गई. फिर 1971 को मिलिट्री ने इंटरवीन किया और प्राइम मिनिस्टर को फोर्स किया रिजाइन करने के लिए, और उन्होंने रिजाइन किया है 71, 10 साल बाद. फिर 80 अगेन 10 साल बाद, 12 सितंबर 1980, लेफ्ट और राइट ग्रुप का कोई मसला चल गया था. लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ग्रुप के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी, अभी नहीं करी. तो समझने के कुछ ऐसे होते हैं जो रिफॉर्म्स चाह रहे होते हैं सोसाइटी में, और कुछ ऐसे होते हैं जो कंजर्वेशन चाह रहे होते हैं,
कोई रिफॉर्म्स नहीं चाह रहे होते, वो चाहते कि जिन लाइंस पे सोसाइटी सवार है वही रहे. तो इन दोनों ग्रुप्स का ना तसादम हो गया, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए और वो मसला हल ही नहीं हुआ तो मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ा. ठीक है, और बहुत सारे सिटीजन्स को इन्होंने अरेस्ट भी किया और एग्जीक्यूट भी किया, मार दिया, मैस एग्जीक्यूशन. फिर 1997 तकरीबन तीन साल कम 10 साल ही है, 1997 में आ गए 28 फरवरी 1997 में मिलिट्री ने अगेन जो है पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया है और प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए प्रेशराइज किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में और प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा. फिर मिलिट्री रूलर पावर में आ गई. ठीक है, लेकिन 97 के दौरान में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन नया बना लिया था जो हम कॉन्स्टिट्यूशन अब पढ़ रहे हैं. ठीक है, फिर अप्रैल 2007 में क्या किया इन्होंने कि एक ई मेमोरेंडम वेबसाइट पे इशू कर दिया. ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे इशू कर दिया के मतलब जनरल साहब की स्टेटमेंट थी जिससे क्या हुआ कि इलेक्शन क्राइसिस स्टार्ट हो गया कंट्री में. उन्होंने धमकी भी दी थी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को कि हम जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं. फिर आखिरी दफा इन्होंने क्या किया है, 15 जुलाई 2016 को मिलिट्री ने क्या किया है कि मिलिट्री पर्सनल का एक ग्रुप था, उन्होंने कू अटेम्प्ट करने की कोशिश की है बट वो अटेम्प्ट फेल हो गई क्योंकि अर्दुगान ने पीपल मतलब समझ लें कि लोगों से रिक्वेस्ट की थी और वो सब लोग सड़कों पे आ गए थे जिसकी वजह से जो है वो कू हो नहीं सका, अटेम्प्ट फेल हो गई. ठीक है, फ्रेश है 2016, 4 साल पहले. हिस्ट्री में आ जाते हैं ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री में क्या हुआ और मिलिट्री कैसे इतनी पावरफुल बन गई. तो जी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑटोमन एम्पायर में एक बहुत पावरफुल मिलिट्री फोर्स थी जिसे जेनिसरीज के नाम दिया जाता है. ठीक है, वो मौजूद थी, वो एलीट फोर्स थी ऑटोमन एम्पायर की. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, इन्होंने इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दी पॉलिटिकल मैटर्स में और इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था. फिर सुलेमान द मैग्निफिसेंट एक बहुत बड़े रूलर गुजरे हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका सुलेमान द मैग्निफिसेंट. इनके टाइम में ना टर्की या ऑटोमन एम्पायर ने बहुत 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 ज्यादा तरक्की की. ये 1536 का टाइम था, सबसे ज्यादा गोल्डन टाइम था इनका टाइम. ठीक है, इवन कि इन्होंने एक लेटर लिखा था हंगरी के रूलर को और उस हंगरी के रूलर को जो लेटर लिखा था ना उसमें कोई 8 लाइनें तो इन्होंने अपने अलकाबात ही लिखे थे कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं. इतनी मतलब शान से ये रह रहे थे और इन्हें पता था कि हम सुपर पावर है तो हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता. और उस टाइम की जितनी भी सुपर पावर्स थी इन्होंने इसको नीचे किया था, हराया था. लेकिन क्या हुआ कि एक बैटल हुई, बैटल ऑफ वियना. ठीक है, उसमें क्या हुआ कि इन्हें हो गई हार, टर्की के लोगों को या टर्की की फोर्स को हो गई हार, मिलिट्री हार गई यूरोपियन फोर्स से. तब इन्हें पता लगा कि अब भाई हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं रहे, हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में और हम तो यूरोप से बहुत ज्यादा इंफीरियर हैं मिलिट्री टर्म्स में ना, मिलिट्री पावर के टर्म्स में. तो रूलर्स ने उस टाइम पे जो सुल्तान थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि इस मसले को हल करना पड़ेगा, जो हमारी आर्मी है अगर वो इसी तरह रही तो हम तो हारते चले जाएंगे, हमारी सल्तनत का नाम ही नहीं रहेगा, तो हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए आर्मी में, मिलिट्री में. मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यूरोपियन मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पे मिलिट्री को पूरा का पूरा संवारना पड़ेगा. फिर क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर के जो मिलिट्री मतलब ऑटोमन एम्पायर में मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस खुलना शुरू हुए जिनमें जो करिकुलम पढ़ाया जाता था वो सारा सेकुलर और यूरोपियन बेस्ड था और जो इंस्ट्रक्टर्स थे जो पढ़ाने वाले थे वो भी यूरोपियन ओरिजिन के. ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये वाली जो रिफॉर्म्स थी ना सबसे पहले नेवी में स्टार्ट की. ठीक है, ये वाली रिफॉर्म सबसे पहले नेवी में स्टार्ट की, उसके बाद ये रिफॉर्म जो है आगे बढ़ा दी. ठीक है, मतलब और भी इंस्टीट्यूशंस को इसमें ऐड किया, मतलब एयरफोर्स को और क्या नाम है एयरफोर्स, हाँ एयरफोर्स को और जो लैंड फोर्सेस होती है उन सबको. ठीक है, तो उन सब तक भी ये रिफॉर्म्स स्प्रेड हो गई. उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए ना तो जेनिसरीज को खतरा फील होने लगे, उन्होंने खतरे की बूँद सूंघ ली कि अगर ये फोर्स तैयार हो गई और खड़ी हो गई तो फिर जो हमारा इलीट
फोर्स का स्टेटस है ना वो चैलेंज हो जाएगा. तो उन्होंने क्या किया, रिबेलियन स्टार्ट कर दी अगेंस्ट द किंग और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कॉज कर दी. ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं हुआ. ठीक है, इस सारे मेस से क्या हुआ कि सुलेमान सुल्तान सलीम थ्री उन्होंने देख लिया कि जेनिसरीज काबू से बाहर हो गए, तो अब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इन्हें मॉडर्न फोर्स के साथ जो कि वेल ट्रेन्ड होगी, वेल इक्विप्ड होगी ऑन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. और उन्होंने इसको रिप्लेस किया न्यू इन्फेंट्री कोर लेकर आए. और 1806 आते आते 2300 ट्रूप्स नई आर्मी के रेडी थे जो कि जनिसरीज के साथ फील्ड में काम करते, लेकिन जनिसरीज ने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ताकत का नशा था ना इनको, और ये बहुत अरसे से कई सदियों से इस चीज को मतलब एक्सपीरियंस करते आ रहे थे. तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया इनके साथ काम करने में. अब वो इस चीज को मतलब इन इस आर्मी को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारी वेल्थ, हमारी पावर, हमारे स्टेटस को इनसे खतरा है. ठीक है, तो उन्होंने फिर दोबारा जो है रिबेलियन स्टार्ट कर दी, फिर नए सुल्तान को डिस्पोज कर दिया. और फिर क्या हुआ, 1826 में दूसरे सुल्तान आए जिनका नाम था सुल्तान महमूद सेकंड. उन्होंने भी देखा कि जेनिसरीज का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है तो मुझे उन्हीं लाइंस पे काम करना पड़ेगा जितने जिन लाइंस पे मेरे जो है वो फादर और फोर फादर्स काम कर रहे थे. तो ये जो इन्होंने भी कोशिश की कि जेनिसरीज को खत्म कर दिया जाए, और फॉर्चुनेटली वो इस चीज में कामयाब रही. सेंचुरी ओल्ड आर्मी खत्म हो गई, लेकिन ये इतने आराम से खत्म नहीं हुई थी, बहुत खून खराबा हुआ था, बहुत ज्यादा. ठीक है, लेकिन खत्म हो गए. फिर क्या हुआ, एक नई टर्किश एथनिक आर्मी ने मॉडर्नाइज की जो उस जेनिसरीज फोर्स की जगह ले ली. ठीक है, इस टाइम में भी जेनिसरीज ने रिवॉल्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उनको नाकामी हुई. फिर आगे जी सुल्तान महमूद ने क्या किया, जेनिसरीज को तो खत्म कर दिया, सुल्तान महमूद सेकंड ने रिफॉर्म्स लाना शुरू की इन स्फीयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एंड फाइनेंस, जिसे क्या कहते हैं हम तंजीमात के नाम से जानते हैं. ठीक है, तंजीमात के नाम से जानते हैं. ये काफी एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स थी. सुल्तान महमूद ने जब इनको जो इंट्रोड्यूस करवाया ना, जिससे क्या हुआ पूरी की पूरी समझ लें कि ऑटोमन एम्पायर रिफॉर्म हो गए. इनके जो बच्चे आए, इनके जो दो बेटे थे वो बैक टू बैक किंग बने, और उन्होंने भी अपने फादर की पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा जिससे मिलिट्री मॉडर्नाइज होती गई. ठीक है, अब देखिए कि मिलिट्री को सेकुलर बेसिस के ऊपर संवारा जा रहा है, उसको वेस्टर्नाइज किया जा रहा है, उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप वही है, ट्रेडिशनल रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप. ठीक है, स्ट्रिक्टली रिलीजियस व्यूज हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की है, वो मॉडर्न लाइंस पे डेवलप हो ही नहीं रही. तो जिससे क्या हो रहा है, गैप बढ़ता गया मिलिट्री के बीच में, मिलिट्री लीडरशिप या और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया. अब जो है ना, उस टाइम पे डेमोक्रेसी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा परवान चढ़ रहा था और लोग जो है ना वो चाह रहे थे कि हमारी से हो, लेजिस्लेचर के पास बहुत ज्यादा पावर हो. आखिरी जो किंग थे ना सुल्तान अब्दुल मजीद, उन्होंने बहुत कोशिश की थी, इवन की अपनी सारी पावर दे भी दी थी, लेकिन जो है ना वो कोई हालात बेहतर नहीं हुए. वो चाह रहे थे कि थ्रोन एब्डिकेट करें, पावर अपने हाथ में ना रखें, टर्की को रिपब्लिक बनाने मोनार्की से. तो उनको फिर जो है वो एक तरह से मोनार्की को खत्म ही करना पड़ा एंड में. तो पॉलिटिकल लीडरशिप और इसके बीच में जो गैप बढ़ा जा रहा था, वो कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू किए एम्पायर में. यंग टर्क एक मूवमेंट है जिसने बहुत किरदार अदा किया था. ये यंग टर्क्स जो थे ना, वो ज्यादातर ग्रीस से पड़े हुए, यूरोप से पड़े हुए लोग थे जो चाह रहे थे कि टर्की में डेमोक्रेसी आ जाए, वेस्टर्न डेमोक्रेसी आ जाए. मॉडर्नाइज करना चाह रहे थे लेकिन कंट्री को वेस्टर्नाइज नहीं करना चाह रहे थे. ठीक है, फिर यंग टर्क मूवमेंट जब चल रही थी ना, तो इसने एक नुकसान कर दिया, चाहते ना चाहते हुए एक नुकसान कर दिया वर्ल्ड वॉर वन में, कि मतलब ये रिवोल्ट कर रहे थे ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, और इनकी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, टर्की ने जंग में भी हिस्सा ले लिया वर्ल्ड वॉर वन में, अपने अंदर के मसले भी नहीं हल हो पा रहे थे. तो जी जब ये खड़े हुए और मूवमेंट स्टार्ट हुई और वर्ल्ड वॉर वन में टर्की लड़ रहा है, तो वो इतना स्ट्रेंथन नहीं रहा, हार गए. वर्ल्ड वॉर वन में टर्की जर्मनी के साथ लड़ा था और ये हार गए, जिससे क्या हुआ
कि टर्की जो ऑटोमन एम्पायर है उसके बहुत सारे एरिया पे ना, कहीं फ्रांस, कहीं यूके और इस तरह यूएसए, जगह जगह जो है इन्होंने, यूके और फ्रांस ने अपनी अपनी कॉलोनीज बना ली, अपने अपने हिस्से बांट लिए. ठीक है, अब मुस्तफा कमाल पाशा उस टाइम पे आर्मी का जनरल था, तो उसने, आपको पता है कि मोनार्की को खत्म करके मॉडर्न टर्की की बुनियाद रखी थी. ठीक है, तो आप समझिए कि उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आर्मी वाहिद इदारा था जो बचा था, बाकी सब इदारे खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे. तो अब आर्मी ही बचा, तो आर्मी ने क्या किया कि सोसाइटी को या पॉलिटिक्स को मॉडर्नाइज करने और वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की सेकुलर टर्म्स पे. ठीक है, उसके बाद आर्मी ने क्या किया कि तमाम कंट्री का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. ठीक है, हर चीज को वो खुद कंट्रोल करने लगी. अब जैसे मैंने बताया कि टर्की के बहुत सारे इलाके पर या ऑटोमन एम्पायर के बहुत सारे इलाके पर जगह जगह यूके, फ्रांस वगैरह का कब्जा हो गया था, तो मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी और वो जो टर्की की जो बाउंड्रीज है ना, जो आज मौजूद है, वो रीडिफाइन करवाई ट्रीटी ऑफ लोसैन में. ठीक है, ट्रीटी ऑफ लोसैन में इन्होंने ये बाउंड्रीज को जो है वो डिफाइन करवाया और फिर जंग खत्म हुई. तो आप देख रहे हैं कि वॉर कौन लड़ रहा है, आर्मी लड़ रही है. ठीक है, आर्मी ने ही एक तरह से मॉडर्न टर्की की बुनियाद डाली है. ठीक है, तो अब जब टर्की में आर्मी, मतलब टर्की को आर्मी ने एक तरह से एस्टेब्लिश करवाया है और आर्मी खुद सेकुलर मॉडर्न है और वेस्टर्न है. ठीक है, और इनका लीडर कौन है, मुस्तफा कमाल पाशा. तो ये इनएविटेबल था कि टर्की सेकुलर ना होता. ठीक है, टर्की का सेकुलर होना लाजिम हो गया था, मॉडर्न होना लाजिम हो गया था, वेस्टर्न होना लाजिम हो गया था, क्योंकि जो इसके फाउंडर्स थे ना वो भी ऐसे ही थे. तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और मॉडर्न टर्की की बुनियाद रखी जो आज आप देखते हो, जो इंतहाई जो है सेकुलर है, वेस्टर्न है. आप अगर टर्की में चले जाओ तो आपको यकीन ही नहीं आता कि एक इतनी बड़ी एम्पायर यहाँ से आई थी और वो मुसलमान थे और 90% आबादी टर्की की मुसलमान है, और वो कैसे रह रहे हैं, बिल्कुल जो है वो यूरोपियन स्टाइल लाइफ स्पेंड करें. ठीक है, तो कंट्री को इन सेकुलर लाइंस पे डेवलप करवाया. सिर्फ मिलिट्री एक वाहिद इदारा थी जो कि कंट्री में उस टाइम पर सेकुलर थी, तो उसने अपने आप को गार्डियन समझ लिया कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का और उसके सेकुलर इंस्टीट्यूट का. ठीक है, तो वो क्या करते थे, अब उन्होंने ये अपनी ड्यूटी समझ ली कि हमने सेकुलरिज्म जो है कंट्री को उसको गार्ड करना है. अतातुर्क ने जो सिक्स अरोज, सिक्स प्रिंसिपल्स दे दिए, स्टेटिज्म, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म वाले, तो हमने उसको प्रोटेक्ट करना है. तो ये टाइम टू टाइम ना एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट बनते रहे. ठीक है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते रहे. 20th सेंचुरी में इन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल शो किया अपना. मैंने बताया 60 से लेकर जो है 2007 तक हम देखते आ रहे हैं जो टर्की में बार बार कू हो रहा है, 10 साल बाद, तकरीबन 10 साल बाद, 7 साल बाद. ठीक है, क्योंकि टर्किश पॉलिसीज, सॉरी मिलिट्री जो है उसने पॉलिटिक्स और रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आई. वो गार्डियन थी, अपने आप को गार्डियन समझती थी, वो टर्की को उन मॉडर्न लाइंस पे डेवलप करना चाह रही थी. उससे बिल्कुल भी इस्लामाइजेशन कबूल नहीं थी कंट्री की. और रिफॉर्म्स इस तरह करते गए, मिलिट्री को होता था, रिफॉर्म्स करते थे कॉन्स्टिट्यूशन में और ज्यादा तब्दीलियां करते थे, अपनी पावर बढ़ा लेते थे या जो भी उनको लगता था बेहतर है कंट्री को वेस्टर्नाइज करते थे, वो करते थे. ठीक है, फिर क्या हुआ, मिलिट्री पर्सनल जो है उनको लगता था कि जैसे वेस्टर्नाइजेशन ने हमें खत्म होने से बचा लिया ना, तो ये वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी के लिए भी काम करेगी वैसे ही. और उन्होंने कंट्री के हर इदारे को वेस्टर्नाइज किया, मॉडर्नाइज किया, और पब्लिक इनके साथ थी. ठीक है, पब्लिक की मतलब 50% मेजोरिटी इनके साथ थी, मोर देन 50% इनके साथ थी, और वो ये सारे काम कर रहे थे. अगर पब्लिक इनके साथ ना होती तो ये कुछ भी नहीं कर सकते थे. अब करंट सिनेरियो क्या है, ये तो पास्ट की बात होगी ना, ऑटोमन एम्पायर से लेके जो काफी अरसे तक हम आगे आ गए. अब रिसेंटली क्या हो रहा है, अब देखते हो पास्ट फ्यू डिकेड्स में जो है आर्मी ने कू करने की कोशिश किया. ठीक है, अब कुछ सालों से ना टर्की की जो आर्मी है ना उसने कुछ ब्लंडर्स मारे, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना
especially APK, Justice and Development Party of Erdogan, इसके लिए रास्ता साफ हो गया कि ये लोगों का सपोर्ट AKP के पास आ गया और मिलिट्री से हट गया और ये अब पावर में ज्यादा आ गए. अब पहला ब्लंडर क्या माना, US जो है ना वो इराक में एक वॉर लड़ना था, ठीक है. इन्होंने कहा, US के लोगों ने, मतलब एग्जीक्यूटिव ने, कि टर्की हमारा साथ दे इराक वॉर में. टर्की के जो जनरल लीडर्स थे ना वो चाहते नहीं थे लड़ना, या लड़ना भी चाहते थे तो इन्होंने क्या किया कि खुद से कोई फैसला नहीं किया. जैसे जो डेवलपमेंट पार्टी जो है उस टाइम पे रूल कर रही थी तो उनको जो है वो प्रपोजल भेज दिया कि भाई USA चाह रहा है कि हम जो है वॉर में कूद पड़े, तो आपका क्या ख्याल है. उनको लगा था कि मतलब एक सुपर पावर है, वो हेल्प मांग रही है, अगर नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होगा और अगर करेंगे तो हमारी पब्लिक हमारे अगेंस्ट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्योंकि सुपर पावर से खतरा नहीं मोल ले सकते. तो अब जब भी जो भी स्टेप लेगी AKP लेगी और वो ऑब्वियसली US के साथ जो है वो ओके हो जाएगी, रेटिफाई कर देगी ट्रीटी को, पार्टिसिपेट कर लेगी वॉर में, तो जो भी मलबा जो भी ढेर है ना इल्जाम का वो AKP पे पड़ेगा. लेकिन वो क्या समझ लें कि पासा उल्टा पड़ गया. AKP ने रिफ्यूज कर दिया पार्टिसिपेट करने से, जंग में पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज कर दिया, ठीक है. और क्या हुआ कि जब ये जंग आगे बढ़ी तो किसी भी नतीजे के बगैर खत्म हो गई, ठीक है. तो इससे साबित हुआ कि जो फैसला इन्होंने किया था फॉरेन पॉलिसी के लिए वो बेहतर था, जिससे डेवलपमेंट पार्टी का फैसला बेहतर था, जबरदस्त था. तो वो हिस्ट्री में पहली दफा था, मतलब आजाद टर्की की बुनियाद रखी के बाद पहली दफा था कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो है वो डिसाइड किए. नेक्स्ट क्या हुआ, अब यहाँ से लोगों का इस्तेमाल बढ़ने लग गया AKP पे. 2007 आ गया, दूसरी मिस्टेक मिलिट्री ने क्या की, धमका दिया AKP को ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे धमका दिया और कहा कि भाई हम एक स्टेप ले लेंगे आपके अगेंस्ट और जो है वो डीथ्रोन कर देंगे आपको. लेकिन सिर्फ धमकाया था, कुछ भी नहीं किया, कोई स्टेप भी नहीं लिया. लोगों को लगने लग गया कि मिलिट्री अब सिर्फ एक खाली शेल रह गया, अंदर से कुछ भी नहीं है, खोखला इंस्टीट्यूट हो गया, पावरफुल नहीं है. कि पावरफुल होता तो फिर धमकाने के बाद एक्शन लेता, पावरफुल नहीं है इसलिए धमकाने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया. तो मिलिट्री ने अपने इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया, जिसकी वजह से काफी मौकों पर यूज नहीं किया, जिसकी वजह से इसका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है और कम होते होते खत्म हो जाएगा. उसी साल टर्किश लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने क्या किया, अरेस्ट स्टार्ट कर दिया बहुत सारे मिलिट्री एंड ऑफिशियल, मतलब सिविलियन ऑफिशियल्स का, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कंस्पायर कर रहे हैं कोई कू अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है. तो मैथ लेवल पे ये अरेस्ट हुए और 2007 में बहुत सारे लोग, एजुकेटेड वेल इन्फ्लुएंस्ड लिटरेरी सोसाइटी के लोग, राइटर्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स, बहुत सारे लोगों को जो है अरेस्ट किया इन चार्ज ऑफ कंस्पायरिंग अ कू. कुछ को उसी वक्त रिलीज कर दिया है, कुछ दिनों बाद रिलीज कर दिया, लेकिन कुछ के अगेंस्ट जो है लंबे लंबे ट्रायल्स चले और कुछ के अगेंस्ट आज तक चल रहे हैं, ठीक है. तो आप ये देख रहे हो कि AKP जो अर्दगान की लीडरशिप में काम कर रही है उसने आर्मी का स्टेटस कम कर दिया है, जो लोगों का ट्रस्ट था ना आर्मी में वो कम हो गया और वो ट्रस्ट किसके पास चला गया, जो है AKP के पास चला गया. और 2016 में जो फेल कू है वो इसकी एक जिंदा उजावेद मिसाल है कि आर्मी पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है, AKP पे ट्रस्ट है. 2008 में क्या हुआ, रोल ऑफ मिलिट्री बिल्कुल ही डिमिनिश हो गया, क्योंकि मिलिट्री ने क्या किया कि इस तरह को होने दिया, जो मैस एग्जीक्यूशन हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है उसको होने दिया और कोई एक्शन ही नहीं लिया, ठीक है, कोई भी स्टेप लिया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है अब जो है ना मिलिट्री ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर रही पॉलिटिक्स में, वो सिविलियन लीडरशिप के अंडर रह के सारे काम करे, क्योंकि अब वो जेनिसरीज नहीं बनना चाहते.
जो बार बार कू कर रहे थे और बार बार जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को अपना काम नहीं करने दे रहे, वो जेनिसिस नहीं बनना चाहते. वो चाहते हैं कि जो कंट्री है ना वो डेवलप करे, और वो ये बात समझते हैं कि कंट्री तभी डेवलप करेगी जब सिविलियन और जो है वो मिलिट्री में अच्छे रिलेशन होंगे. और जब से अरब स्प्रिंग हुए हैं तो मिलिट्री रिलेशंस और ज्यादा, सिविल मिलिट्री रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रेंथन हुए. ठीक है, तो ये हमारा रोल ऑफ मिलिट्री इन टर्किश पॉलिटिक्स था. आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी, और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं.